किसान एकता, किसान एकता। मुखिया तो मिल गया क्या आ गए ओ भाई जी बैठ जा यार बैठ दो गेरियो भाई जी बैठ जा बैठ जा बैठ जा नहीं बैठ जा मेरे बाईपास की बैठे हाँ इसको देखो जी नरमे का ये 5400 रुपए बिका कर बोले 6000 रुपए की तुम्हारी पर्ची दे देंगे जी इसका बोल रहा है 4000 4000 से स्टार्ट हुई है जी 5400 बस कह रहे हैं जी 6000 रुपए की आपको पर्ची दे देंगे और यही नरमा आदमपुर में 7200 रुपए बिक रहा है वो साफ सुथरा कल भी 6800 बिके आई है मेरा नाम है विजय सिंह जांदू जी माधो सिंह गांव से हूँ जी क्या मामला हुआ ये है जी हमारे 55 रुपया किलो के हिसाब से खर्चा पड़ा है जी नरमे के ऊपर ठीक है ये 5400 रुपये लास्ट दे रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है सर जी आज स्टार्टिंग हुई है बोली 5400 से उसके बाद में बोली नहीं चढ़ी उसके बाद में एक आदमी कह रहे हैं बोले 6000 की पर्ची दे दो ऐसे कैसे पर्ची दे दे नंबर नरमा चल रहा है 7100-7200 रुपए और यहाँ से ले जाके मंडी में यहाँ से ले जाके बोली होने के बाद में मील में 700-600 रुपए काटते हैं किस चीज के काटते हैं क्या नाम क्या आपका जगतपाल गोदारा गांव फूल का तो आज ये दिक्कत आई है कई दिनों से कई दिन हमेशा है जी लेकिन मैं आज आया हूँ नरमा देने मारो नरमो देखो जी बिल्कुल नरमा देखो आप अगर नरमा मारा हो ना कौन ये पर्ची ले कर रहा है कौन से अधिकारी है ये मील वाले जी मिल वाले जो बोली देते हैं ये सब मिलके आते हैं जी 10 आदमी सब इतना मतलब अपना चेक करके आते हैं तेरे को 10 नग लेने हैं मेरे को 5 नग लेने हैं उससे बोली नहीं चढ़ाते उनको पता है जमींदार दे के जाएंगे बिल्कुल सर जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा रोड नहीं खुलेगा क्या नाम आपका कैप्टन कुमार है जी गांव चबुरजा से जी और मील में यहाँ नरमा लेके आए हैं नरमा जब बिकता नहीं है जब बिकता जब आवाज के उठाते हैं तो बोले जी रेट बिकेगा नहीं तो अपने घर ले जाओ बताओ यहाँ से सारी रात जमींदार अपने खेत में काम करता है पानी लगाता है सांपों के सिर गाता है और उसके बावजूद ये कहता है कि नरमा हम इस रेट में लेंगे जबकि पिछले साल नरमा यही नरमा जो है 12 से 15 हज़ार रुपये के क्विंटल प्रति बिका था जबकि इस बार इतना कम क्यों है रेट क्योंकि एक तो बीज नकली था प्लस दवाइयां भी नकली जो गुलाबी सुंडी आएगी है गुलाबी सुंडी का मतलब बीज नकली होने की वजह से ही नरमा खराब हुआ है अदरवाइज तो इतने सालों से चल ही रहा था नरमा तो इस कई सालों के बाद ये जो बीटी नरमा आने के बाद ये BT4, BT3, BT5 के पास के नाम से आया और अब ये इन्होंने बदलाव करते जा रहे हैं जिसमें से बीमारियां ज़्यादा आती है जिसका कोई समाधान नहीं कर पाती सरकार हमारा हम हर बार कहते हैं सरकार को भाई इसका समाधान करो लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं करती ना कोई अब रोड जाम किया था आपने ये रोड जाम इसलिए लगाया गया कि ताकि अधिकारी हमारा सुनवाई करे हम यहाँ सुबह के 3 बजे के आके बैठे हैं जी है? नहीं आने नहीं दिया जाएगा जी बस चली गई है जी बस नरमा बिजाई से डीएम साहब आ रहे हैं बात करेंगे पहले इनसे फिर बताएंगे आपका नाम क्या है मेरा नाम सुरेंद्र कुकरेजा है पहले डीएम साहब बात करेंगे से फिर आपको बता देंगे जो बात रेट कम क्यों लग रहा था सर आप बताइए रेट कम क्यों लग रहा था इनका जो ज्यादा रेट था वो कम क्यों लिया जा रहा है इनसे एक बार इनसे बात कर लेता इनकी समस्या इनकी बात कम रेट क्यों कम रेट लगाएगा जी कम रेट कोई नहीं लगाएगा एक बार जाम खुला रहे उनसे करते हैं बात क्यों लगा रहे हैं उसे बात करेंगे 54 की पर्ची पकड़ा रहे हैं।